तक डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2022। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन वस्तुओं की एक सूची बनाई है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया है कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है। 1964 में IUCN की स्थापना की गई। 2000 के दशक में IUCN प्राकृतिक आधारित समाधान की शुरुआत की। ये ऐसे कार्य हैं जो जलवायु परिवर्तन, भोजन और पानी की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए प्राकृतिक का संरक्षण करते हैं। IUCN वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ कदम कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नगर वाहन उद्यान योजना, प्रोजेक्ट टाइगर, स्वच्छ भारत अभियान, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, UNDP समुद्री कछुआ परियोजना, प्रोजेक्ट हाथी। पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। मत्स्य पालन अधिनियम 1987, भारतीय वन अधिनियम 1927, खनन और खनिज विकास विनियमीय अधिनियम 1957, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण के लिए 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। तो इसमें एक और प्रश्न आपसे हो सकता है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की थीम क्या है, तो उत्तर है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज 2022 की थीम है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। IUCN की स्थापना कब की गई, 1964 में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक